Hey guys, कैसे सब लोग शॉप इल्वर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं आसूस की तरफ से आने वाला वीवो बुक 14, जिसके अंदर आपको मिलता है 4GB रैम एंड 512GB की SSD है विद कोर i3 8th generation प्रोसेसर। ठीक है, चलो सबसे पहले इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं जो कि हमें भेजा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। बॉक्स के अंदर मेन जो बॉक्स हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, जिसके अंदर इतना कुछ खास नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारा पेपर वर्क दिया होता है जाके बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करते हैं, डायरेक्टली इसको ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर जो सबसे पहले हमें दिखता है, यहाँ पर इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है लैपटॉप। लैपटॉप को यहाँ पर रखते हम साइड में थोड़ा सा एंड देखते अंदर क्या क्या हमें मिलता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है ये एक बॉक्स, जिसके अंदर आई थिंक हाँ यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट दिया गया है, आई डोंट नो क्या है, हम बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको दिया गया है, स्टीकर तरीके का, इसको भी हम बताएंगे, उनको भी रखते साइड में। उसके बाद आपको मिलता है कुछ यूज़र मैनुअल या फिर गाइड, जिसको पढ़ के आप इस लैपटॉप को समझ सकते हैं। और उसके बाद साइड में हमें जो यहाँ पर मिलता है इसका चार्जर, जो कि बिल्कुल यहाँ पर देखो दो पोजीशन में यहाँ पर डिवाइडेड है। एक है मेन जो प्लग आपको आपके बिजली के वहाँ पर कनेक्ट करना है, दूसरा जो है आपका यहाँ पर जो चार्जर जो आपके लैपटॉप तक जाएगा। यहाँ पर जो चार्जर है वो है यहाँ पर 45 वाट का, जो कि आसूस के ब्रांडिंग के साथ आता है यहाँ पर, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। अब बात ध्यान देते हैं यहाँ पर जो मेन इसका कॉम्पोनेंट है, यानी कि हमारा जो मेन मशीन है इसको। और यहाँ पर कलर जो हमने चूज़ किया वो है पीकॉक ब्लू, एंड देखने में यहाँ पर काफ़ी फर्स्ट इम्प्रेशन इज रियली गुड, जो कि आपको यहाँ पर इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। बहुत ही यहाँ पर मेटालिक फिनिश यहाँ पर दिया गया है। एंड लैपटॉप को ओपन करने से पहले हम यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पर चार्जिंग का यहाँ पर पोर्ट, उसके बाद मिलता है आपको एक HDMI पोर्ट, उसके बाद एक आपको USB पोर्ट मिलता है, उसके बाद एक आपको जो है Type-C एंड हेडफोन जैक मिलता है, और बाकी कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड में नहीं है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक मेमोरी स्लॉट मिलेगा, एंड अगेन एक और जो है आपको USB पोर्ट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो इंडिकेटर जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक है नोटिफिकेशन का आई थिंक, एंड एक है यहाँ पर चार्जिंग का यहाँ पर जो है इंडिकेटर जो कि आपको लाइट्स के थ्रू बताएगा, LED लाइट्स के थ्रू, कि आपका लैपटॉप कितना चार्ज हुआ है कितना नहीं। तो फिलहाल के लिए हम लोग लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, एंड लैपटॉप ओपन करने के बाद जो है आपको कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर ऊपर की, तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर मिलता है एक कैमरा, जो कि बहुत ही आई थिंक इतना कुछ हाई क्वालिटी का नहीं होगा डेफिनेटली। एंड इसका कीबोर्ड अगर हम लोग देखें तो कीबोर्ड भी काफ़ी सही है, इतना भी कुछ मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पर बहुत ही टची फील है, कीबोर्ड थोड़ा सा नीचे है। और टच पैड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ के हिसाब से इसका जो साइज़ है वो कितना है। इंटेल कोर i3 8th generation प्रोसेसर के साथ ये आता है, तो इसका जो ओवरऑल लुक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्क्रीन की बात करते हो, यहाँ पर ये जो स्क्रीन आता है वो आता है फुल HD 1080p के साथ में, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी देगा। तो लैपटॉप को साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो लैपटॉप में फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है चार्ज, अब तब तक के लिए हम लोग बता देते कि इसकी कीबोर्ड में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, यानी कि आपको रात में भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसके अंदर, जो आपको लाइटिंग के थ्रू आपको ये मतलब चलाने में और आसानी होगा टाइपिंग करने में। ऊपर से बताने भूल गया, यहाँ पर जो इसका ट्रैक पैड है इसके अंदर आपको इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसको और काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हो। बेसिकली आसूस के ये जो वीवो बुक के जो सीरीज़ है इसमें सभी मेटलास जो है एक चीज़ जो एक नहीं दो चार चीज़ है जो कि काफ़ी बेहतरीन किया है। एक है इसका फिंगरप्रिंट, और दूसरा है इनका डिस्प्ले, एंड तीसरा है इनका जो है SSD सर्विसेज। ठीक है, SSD जिस लैपटॉप में हो उसका कुछ अलग ही चीज़ होता है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर सेव कर लेते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं इसका। सो गाइस, फाइनली हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पर फुल्ली हो गया ओपन, एंड यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों का यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जो इसका डिस्प्ले वो काफ़ी अमेजिंग डिस्प्ले है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 14 इंच का डिस्प्ले में 1080p का रेजोल्यूशन काफ़ी बेहतरीन होता है। एंड बेसिकली थोड़ा से यहाँ पर डिसअपॉइंट है, जो कि आपको यहाँ पर अगर साइड में से आप देखेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो आपको यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट वाला वो चीज़ मिलेगा ना दिखने वाला,
तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट वाला चीज़ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो इस हिसाब से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है आई थिंक। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग साउंड टेस्ट के लिए कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करके देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लगता है। नहीं, तो गाइस ये था इसका साउंड क्वालिटी। एंड यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंदर जो है इन बिल्ड आता है आपको विंडोज 10 होम का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो गाइस ये था ओवरऑल इस लैपटॉप के बारे में जितना कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी आप लोगों को मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर बताऊँ तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने इस लैपटॉप को अपने फ्रेंड के लिए परचेज किया है एंड इस लैपटॉप को मैंने बहुत सोच कर समझ कर लिया है। इस लैपटॉप को जो अभी प्राइस वो फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगा वो 34,000 के अराउंड मिलेगा। तो उस हिसाब से गाइस अगर मैं बात करूँ कि ये लैपटॉप आपको इस प्राइस रेंज के अंदर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो कुछ आप लोग को चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे चाहिए था एक हैंडी लैपटॉप, एक थिन एंड एक छोटा डिस्प्ले वाला लैपटॉप, ना कि कोई बल्की लैपटॉप। तो उस हिसाब से गाइस ये लैपटॉप परफेक्ट था क्योंकि इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 14 इंच एंड इसका जो डिस्प्ले वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। फुल HD रेजोल्यूशन 1080p रेजोल्यूशन के अंदर आपको मिलता है एंड डिस्प्ले का क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है दूसरों के मुकाबले। एंड उसके अलावा भी मुझे इसमें चाहिए था अच्छा खासा प्रोसेसिंग पावर, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट आता है i3 8th generation वाला प्रोसेसर विथ 4GB RAM एंड 512GB SSD। अब SSD मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि गाइस आप लोग जानते हो आजकल के ज़माना SSD का है, एंड SSD होता है तो सब कुछ बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही फास्ट होता है, तो इसलिए SSD बहुत ही मैटर करता है। अब इसके अलावा भी आपको 8GB एंड 512GB SSD का भी एक वेरियंट मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए। उसके अलावा भी इसके अंदर आता है विंडोज 10 होम इनबिल्ट, जो कि आपको दूसरे परचेस नहीं करने पड़ेंगे या फिर जो क्रैक वर्जन होते हैं वो वगैरह भी आपको डालने नहीं पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल मिला के मेरे लिए सबसे एक बेस्ट पैकेज था एंड मुझे ये लेना था करीबन 35,000 के अंदर। तो ये जो लैपटॉप है ये 35,000 के अंदर ही आ रहा था एंड ये लैपटॉप ASUS की Vivo Book 14 का सीरीज़ का, मेरे पास अभी भी करीबन 4 लैपटॉप है अलग अलग सीरीज़ का, मैंने बहुत सारे रिव्यू एंड उनके भी रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखे, तो वो सब आप लोग जाकर देख सकते हो। तो इस प्राइस रेंज में अगर हम लोग बात करें तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। इसके अलावा आपको शायद ही कोई ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। So guys, ये था पूरा का पूरा ओवरऑल ASUS Vivo Book 14 का लैपटॉप का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। आई होप आप लोग की अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है इवन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा एंड मिलते हैं अगले एक और अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।